आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि धारा 144 क्या है, और कई बार आप लोग जानना और पढ़ना भी चाहते हैं। आखिर धारा 144 क्या होता है? जब भी कभी चुनाव होता है या कोई ऐसी स्थिति होती है जिसको लेकर देश में, राज्य में या किसी जिले में ये संदेह होता है कि सुरक्षा को लेकर, कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कोई समस्या हो सकती है या उपद्रव हो सकता है, दंगा हो सकती है, तो इस स्थिति में जिलाधिकारी के पास ये पावर होती है, जिला मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वह धारा 144 लागू कर सकता है। कहीं विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, फिर कैसा भी कोई चुनाव हो, उस समय भी धारा 144 लागू की जाती है, की जा सकती है। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि अगर बवाल हो, हिंसा, दंगा हो जाए, तो उस दशा में भी धारा 144 लागू की जा सकती है। इससे लोगों को एक साथ रहने की आज़ादी नहीं होती, मतलब अगर चाहें तो लोग एक साथ रहें, इसकी आज़ादी नहीं होती। उसमें अगर हम बात करें कि धारा 144 अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यही आती है कि चार लोग से ज़्यादा, मतलब चार से ज़्यादा किसी एक स्थान पर जमा नहीं हो सकते। मतलब ये इसकी फैक्ट और महत्वपूर्ण बात है कि चार लोगों से ज़्यादा एक स्थान पर जमा नहीं हो सकते। मतलब इस धारा का सबसे बड़ा जो मकसद है कि लोगों का एक स्थान पर जमाव न होने पाए, लोग एक जगह इकट्ठा न होने पाए। और धारा लागू करने के लिए ये सवाल उठता है, प्रश्न आता है कि कब लगाई जाती है। क्या आपके मन में भी सवाल आया है कि धारा 144 कब लागू की जाती है? तो उसको लागू करने का जो अधिकार है वो जिलाधिकारी के पास होता है उस जिले के, और वह एक नोटिफिकेशन भी जारी करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने, ने किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है, या किसी तरह के सुरक्षा हो, स्वास्थ्य संबंधित आदि, दंगे हो, हिंसा हो, फसाद हो, इसकी आशंका होने पर भी उस जिले के जिलाधिकारी उस जिले में धारा 144 का प्रयोग कर सकते हैं। और जब धारा 144 का प्रयोग की जाती है तो उस इलाके में, उस क्षेत्र में ज्यादा आदमी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, माने चार से ज्यादा एक जगह जमा नहीं सकते। एक सवाल पूछा जाता है कि जब धारा 144 लागू हो, क्या उस समय इंटरनेट को भी बंद किया जा सकता है? जी हाँ, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि धारा 144 लागू करने के बाद इंटरनेट व्यवस्था को भी रोक दिया जाता है, और साथ ही साथ उस क्षेत्र में, उस इलाके में हथियार को ले जाने पर भी पाबंदी होती, माने उस क्षेत्र में आप हथियार भी नहीं ले जा सकते, हथियार ले जाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। मेरा एक सवाल है कि सबसे पहले धारा 144 लागू होने के दौरान कहां पर इंटरनेट को प्रतिबंधित किया गया था? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और इसका प्रयोग, धारा 144 का प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ था भारत की, अगर मैं बात करूं आजादी के बाद भारत में, वैसे इसका प्रयोग 1867 से होता रहा है, और इसका सबसे पहला उल्लंघन देखने को मिले तो महात्मा गांधी जी ने ही किया था, उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। माने इसमें पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन कर दे तो क्या होगा। तो अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होता है, चार से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, सभा करते हैं, और उस व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है, और इसके लिए 3 साल की कैद की सजा हो सकती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि धारा 144 कलफुल, क्या कर्फ्यू एक ही चीज है? कि आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया है कि धारा 144 कहते कर्फ्यू लग गई है? सुना होगा आपने आए दिन कश्मीर में कर्फ्यू लग गई है, और आप सुनते हैं धारा 144 लागू है। क्या दोनों एक चीज है या दोनों अलग अलग है? हम चाहेंगे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वैसे हम इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। जब हम बात करते हैं कि धारा 144 जो है वो लगने के बाद आप आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, दुकानों पर जा सकते हैं, घर में रह सकते हैं, लेकिन चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन जब कर्फ्यू लगता है तो उसके लिए एक निश्चित समय तक आप घर के अंदर रहते हैं, माने घर के अंदर रहेंगे, और घर के अंदर रहने के लिए आदेश कर्फ्यू में दिया जाता है। इसलिए अधिकारी कुछ निश्चित समय के लिए कर्फ्यू लगा सकते हैं, 4 से 6, सुबह 10 से रात के 10, इस तरह समय लगा जा सकता है। समय में इसमें काफी महत्वपूर्ण होता है।
हालांकि यदि आवश्यक हो तो कर्फ्यू की अवधि बढ़ा सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, बदला भी जा सकता है। लेकिन कर्फ्यू के दौरान आप अगर चाहें तो बाहर नहीं निकल सकते, उसके लिए आपको स्थानीय पुलिस की पूर्व अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। और जब कर्फ्यू लगा होता है तो कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी जो भी पाबंदी होती है, दूध, किराने के सामान, कोविड में आपने देखा होगा, शायद आपको याद होगा जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो शायद आप याद करें, वही कहीं ना कहीं कर्फ्यू की तरह है। मतलब एक निश्चित समय के लिए आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं फिर अपने घर के अंदर, और कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं ही चालू रहने की अनुमति होती है, वो भी जिलाधिकारी महोदय के विशेष अधिकार पर, उनके उस समय के तत्कालीन स्थिति के आधार पर। इस दौरान ट्रैफिक पर पूरी तरह से पाबंदी होता है, माने कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक पर पूरी तरह से पाबंदी होता है, जबकि धारा 144 में ट्रैफिक पर पूरी पाबंदी नहीं होता, घर में रहने की कोई पाबंदी नहीं होती, आप बाहर जा सकते हैं, बस भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, 4 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते, यह इसकी सबसे प्रमुख बात है। कई बार पूछा जाता है शायद कि कितने समय के लिए लगाई जाती है, तो कब लगाई जाती है, तो यह सवाल आपके मन में भी आपके भी मन में आया होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब जरूर दें कि धारा 144 कब लगाई जाती है। यह तो मैंने ऊपर बता दिया कि जिलाधिकारी महोदय को यदि दंगा, हिंसा, उपद्रव की आशंका होती है उस दशा में 144 का प्रयोग कर सकते हैं, प्रायः चुनाव के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी जो अवधि होती है धारा 144 को 2 महीने से ज्यादा समय के लिए नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि मानवीय जीवन को खतरा है, उसे टालने के लिए, किसी दंगे को टालने के लिए इसकी जरूरत है, तो इस 2 अवधि के समय को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में धारा 144 लागू करने की शुरुआती तारीख से 6 महीने से ज्यादा समय तक इसे नहीं लगाया जा सकता। एक सवाल आपके मन में आता है कि इसमें सजा का भी प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो क्या इसमें सजा का भी प्रावधान है? जी हाँ, गैर कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है, इसके लिए अधिकतम 3 साल तक की भी जेल हो सकती है। तो यही चीजें थी जो मैंने आपको बताई। बस मेरा सवाल है आपसे कि धारा 144 और कर्फ्यू के बीच क्या अंतर है? तो मैंने ऊपर मैंने बताया कि कर्फ्यू बहुत स्थिति खराब हो जाने पर लगाई जाती है, लोगों को एक खास समय तक अपने घर के अंदर रहने के लिए निर्देश दिया जाता है, मार्केट, स्कूल, कॉलेज आदि को बंद रखने का आदेश दिया जाता है कर्फ्यू में, केवल जरूरत की चीजों को भी आप चालू रख सकते हैं, और ट्रैफिक नियम भी पूरी तरह से पाबंद होती है, मतलब ट्रैफिक भी पूरी तरह से पाबंदी होती है। लेकिन धारा 144 में ऐसा नहीं है, बस स्कूल, कॉलेज, दुकानें सब खुली रहती हैं, ट्रैफिक भी खुला रहता है, बस ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आपको धारा 144 से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी बातें समझ में आ चुकी होंगी, और उम्मीद करते हैं आपके ढेर सारे सवाल होंगे उनको भी खत्म कर लिया होगा। अब आप जरा कमेंट करके बताइए कि क्या आपके आसपास धारा 144 लागू होते देखा है आपने, आपने के क्षेत्र में कब धारा 144 लागू हुई है, और सबसे पहले किस स्थान पर धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवा को रोका गया था। पूछा जाता है कि सीआरपीसी की धारा 144 क्या है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सीआरपीसी की धारा 144 क्या है। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अपराध की प्रकृति क्या है, तो याद रखिएगा कि सीआरपीसी की जो धारा 144 है उसके तहत अपराध की प्रकृति में आपराधिक संज्ञा और जमानती भी होती है, इसमें जमानत भी हो सकता है। सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के क्या कारण है, आप इसका जवाब कमेंट करके दीजिएगा। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं लेनी बुद्ध के, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। एक सवाल आता है कि जो सीआरपीसी की धारा 144 है इसकी आलोचना भी की जाती है, तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि इसकी आलोचना क्यों की जाती है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि अन्य लोग भी हैं वो भी जान सके कि धारा 144 क्या होता है, धारा 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर होता है, धारा 144 कब कब लगाया जा सकता है। और इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलिएगा,
और अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो इलनी भी दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं दुर्गेश जायसवाल इलनी भी दुर्गेश पाजी गेस्ट के रूप में अपने बचे हुए समय में आपके लिए कुछ जानकारी वाले सवाल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, इसी तरह आगे भी लेकर आता हूँ। उस वीडियो को खूब घुमाकर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। अगर आप चाहते हैं कि अगली टॉपिक किस पे वीडियो बनाए तो कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट आए थे कि सर धारा 144 पर वीडियो बनाए, जो मैंने आज आपको बताया कि धारा 144 क्या। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा कि धारा 144 क्या है।